अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं और ये आज का हमारा दूसरा सेशन। आज हमने स्टार्ट किया वॉइड एग्रीमेंट, और वॉइड एग्रीमेंट हम पढ़ रहे हैं। तो हमने बात की थी कि द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, कि हम उन कॉन्ट्रैक्ट्स की, उन एग्रीमेंट्स की बात करें जिसे गवर्नमेंट ने क्या कह दिया है, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ये वॉइड है, ठीक है ना। जी, मैंने आज ईमेल करनी है और एक दो दिनों में आप लोगों को नोट्स भी अवेलेबल होंगे काउंटर से बिजनेस लॉ के और व्हाटसोएवर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सर, ये बिजनेस लॉ के नोट कोचिंग सेंटर में अवेलेबल है, यही नोट बेटा मैंने ना कल सेंड किए हैं बिजनेस लॉ के नोट्स पूरे कंप्लीट, तो इट इज एक्सपेक्टेड 3-4 दिन लगेंगे और फिर मिलेंगे, ठीक है। नहीं तो आपने कहाँ सेंड किया सर? सही नोट्स वही है जो आप करवा रहे हैं? जी, मैंने आपके मैनेजमेंट वाले बंदों को दिए हैं, वो इसको प्रिंट करवाएंगे। हमारा जो नोट्स मिलते हैं, हमारे जो पूरा फॉर्मेट होता है उस हिसाब से ऊपर ट्रूमैन या शाहजी जो भी लिखा होगा वो आपको मिलेंगे। आपके ही होंगे ना यही वाले जो आप काम करा रहे हैं? जी, यही नोट्स यही सर होंगे। आपने सिर्फ बिजनेस लॉ के दिए हैं सर को, सर अख्तर को? नहीं, मैंने उनको सारे दे दिए, सारे एक एक करके वो देंगे सारे। मैनेजमेंट भी? जी, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बस। चलो अब कोई भी सवाल करना है चैट में सवाल करना, बस। अब मैं बंद कर रहा हूँ माइक, ठीक है ना। व्हाट एवर यू वांट यू मे आस्क कैन। अच्छा जी, नाउ तो बात ये है कि एग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज आपने सुन लिया, नंबर टू भी आपने सुन लिया, नंबर थ्री एग्रीमेंट एग्रीमेंट्स द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल। कोई भी ऐसा मुआहिदा जिसकी कंसिडरेशन गैर कानूनी हो वो क्या होते हैं? वो भी वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर आप मुझे जो है, आप मेरे लिए काम करें, आप मेरे घर का राशन पहुंचाएं महीने का, मैं आपको बदले में शुक्रिया दूंगा। अब अगर लेट सपोज आपकी कोई दुकान है, जनरल स्टोर है आपका, और पूरे महीने का आप किसी को सामान पहुंचाएं और वो बदले में अगर आपको शुक्रिया दे, तो आप उसको क्या जवाब देंगे जरा मुझे बता दें, ठीक है ना। डेफिनेटली आप उस बंदे से तो बोलेंगे भाई निकलो यहाँ से, शुक्रिया तो मैं क्या शुक्रिया खाऊंगा यार, शुक्रिया तो नहीं खा सकता ना मैं। तो ये भी चीज जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा जी, एग्रीमेंट्स मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक हो गया, एग्रीमेंट्स द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल भी हो गया, लेकिन अनलॉफुल मैंने भी आपको बताया कि कोई भी गैर कानूनी, अच्छा शुक्रिया आप भी गैर कानूनी है, नहीं सिर्फ शुक्रिया आप किसी को दें तो ये उसके साथ नाइंसाफी भी है ना एक तरह से। अच्छा आगे मैं कुछ और ही बताता हूँ। आप अगर ये बोलें कि भाई मैं जो है आपके लिए वो बंदा अगवा करके ला के दूंगा, शहरियार नामी बंदा जो है वो मैं आपको अगवा करके ला के दूंगा, आप उसकी किडनी निकाल के लगा दिएगा जिस बंदे को लगा, ठीक है। अब ये क्या है, कोई बंदा अगवा करना, ये भी क्या है, चलो ठीक है जी। किसी की शादी हो रही हो और आपको उसकी शादी की के दिन उसको उठाओ उठवाना है, भाई आप चाहते हैं कि उसकी शादी उससे ना हो, किसी और से हो, आपने अगर उसको उठवाया तो वो क्या है, वो भी गैर कानूनी भारत है, सही। तो अगवा बनाया थान और इस तरह के जो होते हैं भत्ता हो रही है सब, ये अनलॉफुल कंसिडरेशन इसमें शामिल होती है और ये सबके साथ गैर कानूनी होती है, ठीक है। इसके बाद है नंबर फोर, एग्रीमेंट्स द कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट। एग्रीमेंट्स द कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट, इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट, जिसकी कुछ भी कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है या किसी का ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में पहले पढ़ा चुका हूँ, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए बता दूँ कि समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसिडरेशन, बदले में जो चीज़ दी जाए वो क्या होती है, वो कंसिडरेशन होती है। अब बदले में दिया जा रहा है पैसे, बदले में दिए जा रहे हैं
सामान के बदले सामान, तो वो भी कंसिडरेशन। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो चीज खरीदी जा रही है, जो चीज दी जा रही है, डेट इज ऑब्जेक्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर गाड़ी खरीदे जा रही है तो गाड़ी ऑब्जेक्ट है, चरपाए खरीदी जा रही है तो चरपाए ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर खरीदा जा रहा है तो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है, पंखा खरीदा जा रहा है पंखा ऑब्जेक्ट है, मोबाइल खरीदा जा रहा है तो मोबाइल भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है जी। एनीथिंग दैट इज बीइंग बॉट एंड सोल्ड इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वहां आपके पास मेरा नंबर होना चाहिए, तो ये कि मैं आपको, आप अपनी क्लास की कल से ही बोल सकती हूँ। वेल, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दो अलग अलग चीजें, दोनों आपने जहन में अलग अलग ही रखी है, और एक हिस्सा भी अनलॉफुल हो सकता है और पूरी की पूरी भी अनलॉफुल हो सकती है। नंबर फाइव, द एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन। देखें जी, अगर कोई बंदा आपके लिए काम कर रहा है ना बगैर किसी फायदे के काम करे, तो ये इम्पॉसिबल। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बंदा बगैर किसी फायदे के आपके लिए काम करें। ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है, मैंने कुछ जगहों पर फ्री में भी लेक्चर्स दिए हैं, क्या हुआ जी फला जगह पर है चैरिटी बेस्ड है, यूं यूं आप आ जाएं किसी चीज पे, आपको बोल रहे हैं आधा घंटा एक घंटा, ठीक है कोई मसला नहीं, कभी चले गए कभी एंड टाइम पे मना भी कर दिया ना, क्यों? क्योंकि भाई गैर जिम्मेदारी इतनी नहीं थी, और अगर हम वो जिम्मेदारी पूरी ना करें तो लॉस कोई खास नहीं था। थोड़ा सा बुरा लगता है अपने आप को भी, नहीं यार हमें जाना चाहिए था, लेकिन अच्छा। वेल, तो बताने का मकसद क्या था कि हमें हर चीज को पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है लॉ के अंदर ना कि क्या चीज कानूनी है और क्या जो है वो गैर कानूनी है। अगर ये सब चीजें हम पढ़ लें तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ना आसान भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है, ये हमारी लाइफ में भी ना बड़ा मैटर करती हैं चीजें जो हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ के अंदर। अब हम कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम एग्रीमेंट करें उसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं। मिसाल के तौर पर मैंने अभी एक गाड़ी खरीदी कुछ 12-15 लाख रुपए, ठीक है ना, तो मैंने एक गाड़ी खरीदी 12-15 लाख रुपए की, और वो गाड़ी जो है मैंने एक सादे पेपर पे रिटर्न में ले लिया उसे। अच्छा, और जब हमने लॉ पढ़ा तो हमें पता चला कि भैया इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं। जो एग्रीमेंट्स होते हैं, इन एग्रीमेंट्स की बेसिकली कोई वैल्यू नहीं है। वो एग्रीमेंट अलग होते हैं जिनकी वैल्यू होती है, इन एग्रीमेंट्स की बहरहाल देयर इज नो वैल्यू। सो सादे पेपर पर अगर आप कोई मुआहदा करते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये बात आपको मैंने सोचा के बता दूं। मैंने बहुत सारे मुआहदे किए अपनी लाइफ में जो मैंने सिंपल पेपर पे किए, अल्लाह का करम ये हुआ कि मुझे कोई भी कभी चैलेंज नहीं करना पड़ा। अगर मुझे कोई चैलेंज करना पड़ जाता तो इट माइट बी अ रिस्क फॉर मी और मुझे मसला होता बहुत। वैसे ही हमारे यहाँ अदालत है, आपको मैंने बता चुका हूँ पहले कि हमारे यहाँ कोई काम भी अपनी अदालत से लेना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल फॉर अस, पॉसिबल ही नहीं है मैं समझता हूँ कोई भी काम अदालत से लेना। चल आगे बात शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है ना आपसे, तैयारी पकड़े हैं, बहुत जल्द यूनिवर्सिटियां खुल जाएंगी। यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि वेल, तो एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, बगैर किसी बदले के भी कोई किसी के लिए काम थोड़ी करता, सिर्फ माँ बाप बहन भाई कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसके बाद नंबर सिक्स, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अगर कोई बंदा खुद ये लिख कर दे, अगर कोई बंदा खुद ये लिख कर दे कि भाई मैं, मतलब मैंने किसी को रोका शादी करने से, ठीक है ना,
मिसाल के तौर पर रैंडमली किसी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं हम, आप में से किसी पे रख देते हैं, यूसरा है, हाँ, यूसरा है। मिसाल के तौर पर यूसरा को हमने, यूसरा नामी एक हमारी स्टूडेंट है, हमने कहा अगर तुमने शादी नहीं की मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। यूसरा ने भी कह दिया ठीक है सर मैं शादी नहीं करूंगी, लाए 2 लाख रुपए मुआयदा हो गया, 5 साल तक 10 साल तक यूसरा शादी नहीं करेंगे, 2 लाख रुपए देंगे। अब यूसरा ने अगले महीने ही उन 2 लाख रुपए अपनी शादी में लगा दी और शादी कर ली मिसाल के। तो अब मैं अदालत नहीं जा सकता, मैं अदालत जाकर ये कह नहीं सकता कि भाई ये यूसरा से मेरा ये मुआयदा हुआ था और उन्होंने फिर भी ये काम कर लिया। क्यों नहीं मैं कह सकता? क्योंकि किसी को भी उसकी शादी से नहीं रोका जा सकता। कानूनी मतलब कानूनी ये है कि अगर कोई बंदा ये खुद कह भी दे कि मैं मुआहदा करता हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगा, तब भी उस मुआहदे की कोई वैल्यू नहीं। अच्छा ये तो बहुत सिंपल सी बात मैंने की, लेट सपोज तैमूर नामी एक बंदा है जिसकी शादी हो जाती है और उसकी जो बीवी है वो शक्की है, ठीक है ना। अब बीवी को जो है ना शक होता है बार बार। अच्छा तैमूर भी थोड़ा है इस मिजाज का कि वो छुप छुप के व्हाट्सएप पर किसी को चैट कर रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है ना, और कुछ न मशकूक किस्म के मैसेजेस भी व्हाट्सएप पर पाए गए जो बीवी ने देख लिया। अच्छा अब बीवी ने जो टेंशन हो गई बीवी को, यार ये तो मेरा शौहर मेरे हाथ से निकल जाए, क्या हुआ उसने पेपर मंगाया, पेपर पेन वगैरह मंगाया, ला वो लिख के दो मुझे, मुआहदा करो गवाहों के साथ कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। अब तैमूर साहब जो थे वो वकील थे, लेट सपोज उन्होंने कहा कोई मसला नहीं कर लो मुआहदा। तैमूर साहब ने लिख के दिया मैं फलाह इब्ने फलाह इस बात का हलफ लेता हूँ, इस बात की गवाही देता हूँ, इस बात का वादा करता हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। और तैमूर साहब ने अगले हफ्ते दूसरी शादी कर ली। अब उसकी कानूनी हैसियत क्या है शादी की? वो शादी वैलिड है क्योंकि आप किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते। ये मर्दों का बुनियादी हक है कि वो 4 शादियां करें, 4 शादियां वो कर सकते हैं, उनको किसी से भी पूछने की भी जरूरत नहीं, ठीक है ना। पता था आप लोगों के बाद कोई जुर्माना वर्माना कुछ भी नहीं होगा, 4 शादियों पर कोई जुर्माना नहीं, 5वीं शादी पर जुर्माना वायरल हो भी सकता है। आ रही बात समझ? तो बीवी को शक हो रहा लिख के दे दे नहीं करूंगा दूसरी शादी, और कल को अगर आप कर भी लें तो कोई इशू नहीं है, कोई इसमें जो है वो कोई पंगा नहीं हुआ, आराम से आप शादी कर सकते। नंबर 7 एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। जिस तरह किसी को शादी करने से नहीं रोका जा सकता, शादी करना बुनियादी हक है, इसी तरह जो है अल्लाह भला करे ये भी बुनियादी हक है कि कहीं पर भी आप कारोबार कर सकते। लेकिन कारोबार क्या होना चाहिए? कारोबार कानूनी होना चाहिए। कारोबार ऐसा ना हो ना। अच्छा एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड जो है, अच्छा तिजारत जो है वो भी क्या है? बुनियादी हक। तिजारत क्योंकि बुनियादी हक है, आपको किसी को तिजारत से नहीं रोक सकते। मिसाल के तौर पर आपने भाई मुझे किसी ने कहा कि आप जो है ना फला जगह पर आप अपना सेंटर नहीं खोल सकते, मैं बोला ठीक है नहीं खोल सकता, मैंने बोला लिख कर दो नहीं खोलोगे, मैंने लिख कर दे दिया और मैंने फिर वहीं खोल लिया जहाँ के बारे में मैंने लिख कर दिया था कि मैं यहाँ पर अपना सेंटर नहीं खोलूंगा, मैंने वहीं पर सेंटर खोल लिया। और इसलिए कानून क्या कहता है? कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप कहीं पर भी कारोबार कर सकते हैं, ठीक है ना। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। इसके अंदर क्या होती है? अच्छा इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है? मिसबा मैंने आपकी बात में पढ़ ली है, मैं भी बताता हूँ। नहीं देखें बहुत सारे एग्रीमेंट्स की, यही तो बता रहा हूं कि मैं उन्हीं एग्रीमेंट्स के नाम ले रहा हूं जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, आपको बता रहा हूँ। हमीदा आपने ही बड़ा जबरदस्त सवाल किया, इतने सारे सवाल आ गए यार। अब एक काम करता हूँ ना, मैं अभी सवाल लेता हूँ आपके एक-एक करके। अच्छा तिजारत इसमें कुछ एक्सेप्शन है, शादी के मामले में भी कुछ एक्सेप्शन है, कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप दुल्हा को रोक सकते हैं, ठीक है ना। अब जिनकी दुल्हाओं की, अब जिनकी शादी होगी, एक कानून अभी आया है, उस कानून में ये है कि पहली बीवी का इजाजतनामा रिटर्न होना चाहिए तब दूसरी होगी। ये शरीयत नहीं कहती है, पाकिस्तान का अपना कानून है जो रिसेंटली बना है, ठीक है ना। उसमें क्या है कि भाई वो बीवी से लिखवा के, पहले नहीं था, ठीक है ना। अब मेरी शादी जब हुई, मैं जो है शादी को मेरे ज्यादा दिन नहीं हुए वैसे तो, मैं शादीशुदा हूँ लेकिन इत्तेफाक से। अब मेरी शादी जिन दिनों में हुई थी जब ये कानून नहीं था, मेरी शादी के बाद ये कानून आया, तो मुझ पर ये कानून अप्लाई नहीं होगा। आने वाले दुल्हा जो होंगे उन पर ये कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई,
इससे पहले वाले जो उनपे थोड़ी उन्होंने तो शादी में शादी जब उनके तो नहीं था ऐसा कोई अनफॉर्म तो उनके निकाह आप जो शादी होती है उनके निकाह में लिखा हुआ होता है कि भाई ऐसा 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 है सही है ना। अबे हसन तुम एक तो कर लो ये तो गलत है। वैसे तो ये कि आजकल शादी जो ना बहुत ही कॉस्टली हो गई तो लड़के तो एक भी नहीं करते बोलते हैं बस सही है यार हम कुंवारे से ऐसे चलें तो यू नो बैचलर लाइफ इज द बेस्ट। सर जिनकी शादी हो गई उनका तो नहीं होगा ना, ना जिनकी हो गई उनका नहीं, अब जो आने वाले उनके लिए हमीदा अभी तो आपकी नहीं हुई होगी ना तैयारी पकड़े हैं मतलब आप। खैर अल्लाह सबके नसीब अच्छे का नो वन नोस के किसका क्या नसीब हो सकता है आने वाले दिनों में क्या हालात हो सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं यार तुम लोग तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अच्छा ये भी एक कानूनी हक है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई मेरे ऊपर जुल्म करता है तो क्या मैं उसके जुल्म के बदले में मैं उससे बदला ले सकता हूं, मैं उसके खिलाफ कोई केस कर सकता हूं? आंसर इज यस। अगर कोई मुझ पर जुल्म करता है तो मैं उसके उस जुल्म के बदले में उस पर केस कर सकता हूं। अगर मैंने उसको भले से लिखकर भी दिया हो कि मैं आप पर कभी कोई केस नहीं करूंगा तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, अगर किसी को लीगल प्रोसीडिंग से रोक भी दिया जाए तो किसी को लीगल प्रोसीडिंग से रोकने के बावजूद भी उस लीगल प्रोसीडिंग से रुकने की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, आप जब चाहे उस पर केस ठोक सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा मैंने आपको अलाउ कर दिया बजाय इसके कि आपको चैट में लिखे सवाल, इफ यू हैव एनी कोई क्यूरी देन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क, तो सब सुनेंगे भी और सबको जवाब भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा तो लीगल प्रोसीडिंग भी सुन लिया आपने कि ऐसा नहीं हो सकता कि अदालत आपको रोक दे कानूनी कार्रवाई से, अगर कोई आप पर जुर्म करता है तो आप उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं और यह आपका कानूनी और आईनी हक। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन, कोई भी अनसर्टन मुआहदा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मैं गाड़ी बेच रहा हूँ और मैंने मुआहदा किया कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे आपको मतलब बाहर है वो उसने लिख के दे दिया मैं आपको बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा। अब बहुत ज़्यादा भाई कितने ज़्यादा, तो ये लिखा हुआ होना ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा का क्या मतलब है और बहुत कम का भी क्या मतलब, वट एवर जो भी बात है वो लिखा हुआ होना उसका ज़रूरी है जी। अच्छा विदाउट एनी रीज़न आप अपना माइक ऑन नहीं कीजिएगा, देखें अभी किसी का माइक ऑन हो गया था, ट्राई है कि जब कोई सवाल हो जब भी आपका माइक ऑन होना चाहिए, अदरवाइज आपका माइक बंद ही होना चाहिए, डिस्टर्बेंस होती है वो एंट्री में तेज़ आवाज़ आती है अगर कोई जैसे अनम्यूट होता है उसकी एयर की आवाज़ आने लगती है। तो एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सुन लिया, लीगल प्रोसीडिंग भी सुन लिया, अनसर्टेन मैं आपका जो है मैं आपको पढ़ाने आऊँगा कब आऊँगा ये नहीं बताया तो अनसर्टेन हो गया, मैं पैसे लूँगा कितने पैसे लूँगा ये नहीं बताया ये भी अनसर्टेन हो गया, ठीक है ना। मैं आपको मोबाइल दूंगा कौन सा मोबाइल दूंगा, मैं आपको गाड़ी दूंगा कौन सी गाड़ी दूंगा, लैपटॉप दूंगा कौन सा लैपटॉप दूंगा, तो वट एवर इज बीइंग रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी डेफिनेट एंड क्लियर। आपकी आवाज कट रही है। ओके आवाज कट रही है मेरी, अभी देखता हूँ कट रही होगी आवाज, ये मैम अभी देखें वाई फाई चेंज कर दो। जी अभी कट रही है आवाज या नहीं आप जरा चेक करके बताइएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब सही है। हाँ देखा वाईफाई चेंज किया मैंने। ओके एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग भी आपने सुन लिया, एग्रीमेंट अनसर्टेन भी सुन लिया, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, वेजर कोई शर्त वाला, कोई भी शर्त वाला जो वो भी वर्ड एग्रीमेंट है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये हो सकता है कि उसको गैर कानूनी ना करार दिया जाए लेकिन उसकी कानूनी हैसियत भी कोई नहीं होगी। देखें कानूनी हैसियत ना होना अलग चीज है, गैर कानूनी होना अलग चीज। अगर कानूनी हैसियत नहीं तो अदालत ये कहेगी कि आप अपने घर जाएं और आप अपने घर चले जाएंगे, लेकिन अगर गैर कानूनी मुआहदा होगा तो अदालत आपको घर नहीं जाने देगी बल्कि अदालत आपको जेल भेज देगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कि जिसकी कोई कानूनी हैसियत ना हो या जिसकी कोई कानूनी हैसियत हो, ठीक है। तो अगर कोई शर्त वाला एग्रीमेंट होगा और आप लगाएंगे
तो शर्त वाले एग्रीमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक गैर कानूनी होता है और एक कानूनी हैसियत ना होगा। अगर कानूनी हैसियत नहीं होगी तो कोई मसला नहीं, आप घर जाएंगे। अगर जुर्म होगा तो वो उसको रुबले बोलेंगे, रुको रुको बेटा कहाँ जा रहे हो, इधर आओ जरा खुशबू लगा के, और वो आपको पकड़ लेंगे और आपको सजा दी जाएगी। जैसे क्रिकेट के दोनों को दी जाएगी, जी दोनों को दी जाएगी, दोनों पार्टी को सजा दी जाएगी। जैसे हमारे क्रिकेट में वेजरिंग जो है ना वो अलाउ नहीं है, इंग्लैंड वगैरह में अलाउ है, पाकिस्तान में अलाउ नहीं। तो पाकिस्तान में जब कोई करता है तो दोनों पार्टीज को सजा दी जाती है। अमूमन हमारे एक ही पार्टी को सजा नजर आती है क्रिकेटर्स को, उसकी वजह यह है कि दूसरी पार्टी गैर मुल्की होती है। अगर दोनों पार्टीज पाकिस्तानी होंगी तो दोनों को सजा हम दे सकेंगे, अगर एक पार्टी बाहर की है तो हम उसकी दूसरे मुल्क कंप्लेन कर सकते हैं, उन्हें हम कोई सजा नहीं दे सकते। एग्रीमेंट्स कॉन्टिंजेंट टू इम्पॉसिबल इवेंट, मुर्दे को जिंदा करने का कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप मुर्दे को जिंदा करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो इट हैज नो वैल्यू, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल, तो ये भी इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। ठीक है, नंबर 12, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप इम्पॉसिबल एक्ट की बात करते हैं, कोई नामुमकिन चीज की अगर आप बात करते हैं तो वो भी क्या है, वॉइड है। अब इसकी डिटेल थी नहीं, 12 के 12 की सारी डिटेल होगी। सर क्लास का वाइंड अप करेंगे जी, दोबारा बोलें। हेलो, बोलिए क्लास का वाइंड अप करेंगे, ये पूछ रहे हैं क्लास का वाइंड अप। क्लास बस 40 पे वाइंड अप करेंगे, आगे पढ़ते हैं अभी, जल्दी है आपको, हफ्ते में एक दिन तो क्लास होती है, आप आराम से पढ़ेंगे है ना, संडे को काम बहुत होते हैं यार, हमारे भी इतने सारे काम है। बैठे हुए हम लोग 12 बजे से। अच्छा, 12 बजे से बैठे हो खाली, बस बस। यस सर, सर मैं तो सारा काम करके बैठी हूँ, अभी भी काम मेरे लिए बैठा हुआ है। काम करने के बाद आप बैठी हैं, काम आपके लिए बैठा हुआ है। दिस इज म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट कहलाता है। अच्छा, तो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन आपको पढ़ानी है, एक एक करके एक्सेप्शन पढ़ाता हूँ, बस ये एक्सेप्शन पढ़ा के बंद कर दूंगा मैं, 35 पे बंद कर दूंगा, 10 मिनट रुक जाए। अगर कोई सवाल है तो कोई कर ले। एक्सेप्शंस, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जैसा कि मैंने आपको बताया था किसी को तिजारत करने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जिसमें आप बंदे को तिजारत करने से रोक भी सकते। तो अब मैं आपको वो सर्टेन कंडीशंस बताऊंगा जिसमें आप बंदे को तिजारत करने से रोक भी सकते। ठीक है, नंबर 1, सेल ऑफ गुडविल। मैं आपको एक सच्चा वाक्य सुनाऊंगा, वैसे तो बहुत सारे सच्चे वाक्य मैं आपको सुनाता ही रहता हूँ। तो पहले एक कोचिंग सेंटर का, आदम जी कोचिंग सेंटर, नाम तो सुना ही होगा। आदम जी कोचिंग सेंटर अपनी फ्रेंचाइज बेचता है, यही वजह है कि उसके 32 कैंपस, ठीक है ना, उसके 32 कैंपस क्यों, अगर 32 कैंपस है तो 36 मालिक भी है उसके, क्योंकि एक 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 कैंपस में दो दो पार्टनर भी है, तीन तीन पार्टनर भी है। ठीक है, तो सेल ऑफ गुडविल हो गया। आपने क्या करा, यूपी मोड़ पर एक आदम जी कोचिंग सेंटर के नाम से कोचिंग खोला, कोचिंग चलने लगा, आपने वो कोचिंग गुडविल लेकर उसकी बेच दिया। जब आपने कोचिंग बेच दिया गुडविल लेकर, आप उसी नाम से गुडविल क्योंकि बेचा था, आप वहां कहीं करीब में आप वो सेम नाम से कोचिंग नहीं खोल सकते। क्यों नहीं खोल सकते, क्योंकि आपने गुडविल बेची है। गुडविल का बेचना, गुडविल बेचने की वजह से आप इस बात पर पाबंद हो गए कि अब आप ये मुआहदा कर चुके हैं कि अब आप उसी नाम से दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, सेल ऑफ गुडविल। पार्टनर्स एग्रीमेंट, दूसरी, अगर आप किसी बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप में हैं, तो जिस कारोबार में आप पार्टनरशिप में हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में आप वही काम नहीं कर सकते। जिस काम में आप पार्टनरशिप में हैं, वही सेम काम
आप सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं कर सकते। आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। मिसाल के तौर पर आई एम अ डॉक्टर, डॉक्टर वसी हैदर, एंड मैं अपना एक पार्टनरशिप में हॉस्पिटल चला रहा हूँ, मेरे और भी पार्टनर्स हैं, लेकिन अगर मैं अपना सेपरेट एक अलग अगर अपना क्लिनिक खोलता हूँ तो वो गैर कानूनी हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। तो सर आजकल तो जैसे एक डॉक्टर होता है वो कई जगह बैठते हैं, तो वो सही नहीं है क्या? वो सही है, क्योंकि वो पार्टनर नहीं होते, वो जॉब कर रहे होते। अगर पार्टनर होंगे तो वो कहीं और नहीं हो सकते, ठीक है ना? तो यही ये देखे ना, मैं वो मुख्तलिफ सेंटर्स में पढ़ाता हूँ, उसकी वजह क्या है, आई एम डूइंग जॉब, डॉक्टर सेम, मैं होता हूँ डॉक्टर, वो इमाम क्लिनिक है, उसके आगे हलीम अस्पताल है, इमाम और हलीम में सेम डॉक्टर बैठते हैं, क्यों? क्योंकि वो जॉब करते हैं, वो पार्टनर नहीं है, पार्टनर नहीं कर सकता, एम्प्लॉय तो बराबर में भी जॉब कर सकते, समझ में ये बात। चले फिलहाल यहीं तक रखते हैं। अच्छा, इसकी तरतीब किस तरह से होगी, ये किस तरह सवाल आएगा, ये मैं अगले हफ्ते बताऊंगा, ठीक है ना? अपना बहुत ख्याल रखिए, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। बता दें, हम लोग छाप लेंगे सर, बता। अच्छा बताऊं, चलें फिर अभी बता देता हूं। हम लोग सर स्क्रीन दिखा दें, ये सर बता दें तरतीब। चलें अब आपने कहा है तो बता देते हैं। देखें यहां पर सवाल, व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वॉइड एग्रीमेंट, सवाल लिखते हैं जी। यहां तक लिखना है आपको, ठीक है? और सर आगे फिर इन पॉइंट्स पे एक्सप्लेन किया हुआ है, वो नहीं लिखना, वो नहीं लिखना आप, ये सब जो है ना, ये सब आपने नहीं लिखना, आपने बस इतना ही याद करना है इसको, ये और इसके बाद इससे पहले जो मैंने पढ़ा वो बता दो ना पहले, ये देखें सर वो तो समझ आ, ये भी समझ में आ गया सर। आप लिंक तो शेयर करेंगे ना? जी डेफिनेटली आई विल शेयर लिंक्स डेफिनेट। अच्छा इसको अभी फिलहाल आप छोड़ दें, इसको मैं अपने हिसाब से शॉर्ट करके फिर आपको ये नेक्स्ट वीक आपको दूंगा, ये शॉर्ट करके दूंगा। चले चले भैया।